निरा ही प्यार हो ना तो वो झूठा होता है। वो आई लव यू बोलते हैं आपको? आई लव यू बोलते हैं, मैं आई लव यू टू कहती हूँ। अगला मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा पछताया कागा बोल के दस जा मैनू पावा क्यों दी चूरी नू रावा चुबावा जो नू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। शोहर अच्छा हो प्यार करने वाला हो तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे चमक आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। आज का हमारा स्पेशल शो है मियां बीवी के ऊपर। जी हां, हम मैरिड कपल से पूछेंगे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है। आइए चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी आदत आपके हस्बैंड में क्या है और सबसे बुरी आदत क्या है? लविंग है, केयरिंग है, हर किसी का ख्याल रखते हैं ये है। और बुरी आदत इनमें ये है कि बस फिरते बहुत है। आपको साथ ही लेके जाते हैं? यही तो आदत है बुरी, और तो कोई भी नहीं है इनमें, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेगी अपने हस्बैंड को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि बस घर पे रहा करें ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बड़ी बबली बबली लग रही है। हाँ, जब शोहर अच्छा हो प्यार करने वाला हो तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे चमक आ जाती है। नहीं, बात तो सही की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है आपको? वो मेरी किसी बात पे इनकार नहीं करते ना लड़ते, सबसे अच्छी आदत है उनकी। कमाल ही हो गए। अच्छा और सबसे बुरी आदत कौन सी है? वो किसी बात के अगर जवाब नहीं देते, ये भी बुरी आदत है कि मैं लड़ भी लूं तो आगे से चुप करके बैठे रहते, कुछ बोलते ही नहीं है, तो मैं बस चुप कर जाती, खुद ही लड़ लड़ कर खामोश होती, मतलब कुछ कहते ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छे डिसेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो आपको बुरा नहीं लगता जब वो आपको लड़ाई में जवाब नहीं देते? वो कहते हैं अगर मैं बेगम की बात के आगे जवाब दूंगा ना तो बेगम की तोहीन होगी। वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। ये हकीकत है। और ही इज डैम क्यूट एंड हैंडसम बॉय अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली तरबियत उनकी माँ की है जिन्होंने ऐसी की है कि वो कि औरत की इज्जत कैसे कहते हैं और किस तरह से लेके चलना है अपनी बेगम को और अपनी माँ को, अपनी फैमिली को, तो कोई उनसे सीखे। आपके मियाँ की सबसे अच्छी आदत कौन सी है? मेरे मियाँ बहुत नाइस हैं, जितना झूठ बोलूँ उतना ही कम है, ब्यूटीफुल, और मेरी फैमिली कम्प्लीट और सारी फैमिली हमारी बहुत हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उनकी सबसे बुरी आदत कौन सी है? बुरी आदत अभी तक तो मैंने देखी नहीं, मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने कभी बुरी आदत नहीं देखी, ना वो किसी बात पे इनकार करते हैं, ना उन्होंने कभी मुझे डांटा है, ना कभी कुछ कहा है। इवन देन मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसमें मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा कमाल होगा। नहीं, कहते हैं कि बहू अच्छी है तो सास भी अच्छी है, मैं उनकी हर बात मानती हूँ, मेरी हर बात मानते हैं, इसलिए हम सब अच्छे हैं। आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है? सबसे अच्छी आदत ये है कि वो बहुत कोऑपरेटिव है और ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे होना चाहिए ना, या इवन कि ये कि किचन में भी अगर वो खुद जाके कुछ बना सकते हैं तो बना लेते हैं। ओ वाह, कुक भी है वो? हाँ, बहुत अच्छे, बल्कि मैंने उनसे सीखा। अच्छा ये क्वालिटी बहुत कम आदमियों में होती है। लेकिन वो वहाँ से है ना, फिर मेरे बच्चों में भी आ गई है। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, मतलब मेरे क्योंकि बेटे हैं बेटी नहीं है, तो वो बेटा और बेटी का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क होता है, वो हर तरह से ख्याल, बल्कि बेटे ज़्यादा रखते हैं। अच्छा आजकल मुझे लग रहा है बेटियां कम किचन में जाती हैं, बेटे ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है आपको अपने हस्बैंड की? बुरी आदत सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं, लेकिन ये कि बस उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो फिर वो गुस्से में थोड़ा सा होता है इंसान, कंट्रोल नहीं होता। अच्छा फिर कैसे हैंडल करती है आप? मेरा होता है कि मतलब मेरा मानना है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरा खामोश रहे, तो फिर आपकी कभी, और मेरी आज तक शौहर हमारी इस तरह लड़ाई नहीं जैसे औरतों की या घरों में कपल्स की लड़ाई होती है, ऐसे कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं खामोश हो जाती हूँ और फिर वो फिर खुद ही थोड़ी देर बाद लड़ाई खत्म, वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना गुस्सा आपने निकालना होता है ना, थोड़ी देर गुस्सा निकल जाएगा तो खुद ब खुद हर चीज़ ठीक हो जाएगी, अगर आप दूसरा भी गुस्सा करेगा तो बात बढ़ती जाएगी, अगर एक थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेगा तो दूसरा कितनी देर बोलेगा ना, वो खुद ही खामोश हो जाएगा। ये बहुत समझदारी वाली बात की है आपने, और तभी घर आपका ना बना रहता है।
सुकून रहता है घर में। अगर सुकून चाहिए ना तो मैं कहती हूँ कि और देखिए, औरत तो नाम ही कुर्बानी का है ना, बच्चे पैदा करती है और अल्लाह ने उसको इतना बड़ा दर्जा भी तो दिया है ना कि जन्नत उसके कदमों में रख दिया, तो ऐसे ही तो नहीं रख दी, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अल्लाह ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया। और वो अपना काम जो है ना जिम्मेदारी और ईमानदारी से करेगी तो घर उसका कभी नहीं बिगड़ेगा, अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर ले। तो अब मर्द जो है वो बाहर जाता है, पता नहीं कितने लोगों के साथ उसकी मुलाकात होती है, किन किन उससे गुजर के वो कमा के लाता है ना। तो औरत तो आराम से, मेरा मानना ये है कि औरत आराम से चार दीवारी में बैठती है वो अच्छी बात है, सुकून होता है उसको, टाइम पे खाना खा रही है, चाय पी रही है, जो चीज़ चाहिए उसको मिल रहा है ना, तो फिर उसको क्या चीज़ ऐसी है कि जो वो बाहर जाए या बाहर निकले। तो जो इस्लाम में अल्लाह ने उसको एक दिया है ना, यही दिया है कि क्यों अल्लाह ने रखा है कि उसको चार दीवारी में रखो, तहफ़ में रखो और उसको वहाँ बैठ के हर चीज़ मुहैया करो, उसका ख्याल रखो। तो ये चीज़ें होंगी ना, जब औरत कहती है मैं बाहर जाऊंगी निकलूंगी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को फेस भी तो कर रही होती है, वो कौन सा सुकून से बाहर बैठी और फिर घर आके भी उसको वो सब कुछ करना पड़ता है, तो इससे बेहतर नहीं वो एक ड्यूटी दे दे घर की। आपकी बीवी की सबसे अच्छी आदत क्या है और सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत है कि जब हम अंदर जाते हैं, घर जाते हैं ना, तो हशाश वेलकम करती हैं, तो वो सबसे पहले यही अच्छे होता है कि बंदा थकिया टुटिया पंजाबी कहते हैं ना, जिंदों में घर जाता है, तो जब बीवी का रिस्पॉन्स अच्छा मिले जाएगा तो वो लाइफ गुड लाइफ। तो बुरी आदत यही होती है कि जब छापर हाथ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, वो मैंने तो कल गया जी वो लै के तुझे अच्छ फिर नहीं लै के आए, तो वो छोटा मोटा औरतों को होता है ना, वो जो छोटी मोटी वो, लेकिन आदत तो बुरी तो नहीं कहता मैं, लेकिन वो हम भूल गए समझो कि, तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर वो छोटी मोटी औरतों की बुरी आदत ये होती है कि ये वो लड़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो कभी कभी लड़ाई भी कर लेती हैं। मैं जल्दी मना लेता हूँ क्योंकि एक ही बीवी है, तो फिर अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो फिर वो मसले ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि शैतान आ जाता है, जब शैतान आ जाएगा आपकी वाइफ में तो वो घर हल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, वैसे हल्की फुल्की लड़ाई भी ना शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा रखती है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, प्यार बढ़ता है, निरा ही प्यार होवे ना तो वो झूठा होता है, तो जिसमें थोड़ी बड़ी लड़ाई होती है, थोड़ी सी चोप शोप को क्या कहते हैं, तो वो फिर थोड़ा दोबारा सुलह होता है, उसमें फिर इंजॉय का मज़ा आता है, कब रूस टूट जाती है बंदा मना लेता है, जब बीवी वो क्या कहते हैं मियाँ रूट जाता है बीवी बनाती है, तो वो ज़रा लाइफ गुड लाइफ हो जाती है। अपने हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत बताए कौन सी है? ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। अच्छा, सबसे लविंग केयरिंग क्या चीज़ थी उनमें? सबसे लविंग ये थी कि वो टाइम की बहुत पाबंदी करते थे और घर में बच्चों को संभालने में पूरी हेल्प करते थे, और ये कि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे बुरी आदत क्या थी उनकी? आई थिंक के कोई भी बुरी आदत नहीं थी, ही इज़ अ परफेक्ट मैन एंड आई एम द लकीस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। बेशक, यू आर द लकीस्ट। यहाँ पे क्या करने आई हुई है? कुछ नहीं, कुछ खाने आई हूँ और शॉपिंग करने। अच्छा, मुझे ये बताए कि आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत ये है कि ही इज़ लॉयल, और सबसे बुरी आदत है कि कोई बात नहीं मानता, मतलब लाइक ही इज़ क्वाइट स्टबर्न। अच्छा, तो किस तरह मनाती है फिर उनको? कुछ नहीं, फिर समटाइम्स बंदा लड़ पड़ता है, अगर नहीं, अगर ना माने तो फिर चुप हो जाता है बंदा, और क्या कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताए कि कोई गाना आता है आपको? जी जी जी, सुनाए। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ ने आया दिल बांग बांग मेरा पछताया, कागा बोल के दस जा मैनू पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइया दे तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत क्या है? अच्छी आदत उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो बुरी आदत उनमें कोई है ही नहीं है, परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। वो आई लव यू बोलते हैं आपको? आई लव यू बोलते हैं, मैं आई लव यू टू कहती हूँ। अच्छा। सबके सबके सामने कहते हैं, बहुत उनमें कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इसका मतलब कि उन्होंने आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया? बहुत ज्यादा, उनकी वजह से मेरे में आया, पहले नहीं था मेरे में वैसे। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज। अपनी बीवी की सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? अच्छी आदत उनकी ये है कि वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, और बुरी आदत है वो बार बार फोन बड़े करती है। नहीं, बार बार फोन इसलिए करती है क्योंकि उनको आपकी फिक्र है?
बस वो बार बार फोन करती है, वीडियो कॉल्स करती हैं। अगर दोस्तों में भी बैठा हूँ तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, दोस्तों में ही हूँ हर जगह इनके वीडियोस कॉल। जब का व्हाट्सएप आया ना ये टेंशन है, ऑडियो कॉल सही थी सिम वाली। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी बीवी को? बस जैसा वो मेरा ख्याल रख रही है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी वाइफ दी है मुझे, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मुझे तीन बेटे भी दिए हैं, मुझे लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का, मुझे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मिली हुई है और अपनी वाइफ के साथ मैं बहुत खुश हूँ। जी तो नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही नाजुक रिश्ता भी है। मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और बुरी बातों पर दरगुजर करें, तो ही ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बनती है। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, देखते रहिए गपशप विद हुमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।